Switzerland, Philea, और मैं जो भी मेरे चैनल में देख रहे हैं लोग इस विहंगम दृश्य को, इस अति सुंदर दृश्य को, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि कश्मीर आए। किसी डर की जरूरत नहीं है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, और नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल वेजिटेशन, बड़े अच्छे लोग, मिलनसार लोग, उनसे मिलिए। सस्ते में बहुत अच्छी सुविधा वो मिल रही है और बड़ा प्यार दिखाया जाता है इनके द्वारा। सफेद चादर देखिए, पूरी पहाड़ियां, पूरी ये जमीन दिखती तक नहीं है, जमीन वहीं दिखती है जहां किसी पेड़ की परछाई आ गई है और उसके कारण बर्फ वहां नहीं गिरी है या पिघल गई है। नीचे एक नदी बहती है जो अभी सूख गई है पूरी, और सिर्फ पत्थर कहीं कहीं दिखते हैं छोटे मोटे, उनमें भी बर्फ जमी हुई है। हिमालयन रेंज दूर तक दिखाई देती है। शाम का टाइम, बिजली चालू हो चुकी है, पावर भी है, सारी सुविधा है, अच्छा खान पान है। तो मेरा रिक्वेस्ट है लोगों से कि जरूर आए। और स्नोफॉल के पहले अगर आप इंटरनेट में स्टडी कर लेते हैं, अपनी बुकिंग्स कराइए, पहलगाम आइए, बिजबेहरा आइए, अनंतनाग आइए, वेलकम टू पहलगाम वैली। अच्छे अच्छे होटल्स हैं, चीपर टैरिफ्स है, खाना यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। बड़ा कर्टसी और डिलीशियस वे में आपको खाना परोसा जाता है। पेट्रोल पंप्स हैं, सारी सुविधा है आपको। हम पहुंच गए पहलगाम, और ये बस अड्डा है पहलगाम का। देखिए कैसे गाड़ियां दबी हुई हैं उनके नीचे, बर्फ के नीचे, फिर भी जिंदगी चल रही है। स्विट्जरलैंड मत जाइए, हमारे भारत देश, एशिया के इस सुदूर प्रांत में, भारत के टॉप मोस्ट रीजन में, कश्मीर में जरूर पधारिए।